Here I am going to tell you about the exam for company secretary. इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI. ओके, एंड टू बी एबल टू प्रोफेशनली प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरीशिप, हर एक इंडिविजुअल को 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है. कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जो ICSI कंडक्ट कराता है, दैट इज फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम. CS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्लास 12 पास इन एनी स्ट्रीम फॉर द फर्स्ट लेवल फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सेकेंड, जो ग्रेजुएट्स परस्यू करना चाहते हैं CS, उनको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम ये दोनों अंडर को करने पड़ते हैं. और जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंस जिन्होंने फाउंडेशन एग्जामिनेशन ICSI का या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और अब्रॉड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट कर रखा होता है पास, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम एग्जामिनेशन को देने से. फाउंडेशन प्रोग्राम के 4 पेपर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के 8 पेपर्स जो 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड होते हैं, प्रोफेशनल के 9 पेपर्स जो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड होते हैं. फाउंडेशन प्रोग्राम के 4 पेपर्स कौन कौन से होते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ फर्स्ट, देन सेकेंड बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के फर्स्ट मॉड्यूल में फर्स्ट होता है ज्यूरी प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, सेकेंड कंपनी लॉ, थर्ड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर एंड फोर्थ टैक्स लॉज. मॉड्यूल 2 में इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज, सेकेंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, थर्ड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स. प्रोफेशनल प्रोग्राम की फर्स्ट मॉड्यूल में होते हैं गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, सेकेंड एडवांस टैक्स लॉज, थर्ड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस. मॉड्यूल 2 में सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेकेंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, थर्ड रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स. मॉड्यूल 3 में फर्स्ट होता है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, सेकेंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, थर्ड इलेक्टिव होते हैं, 8 इलेक्टिव होते हैं, उनमें से कोई भी एक लेना होता है. कौन कौन से होते हैं 8 इलेक्टिव्स? बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, सेकेंड इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, देन फॉरेंसिक ऑडिट, देन डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, फिर आता है लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, फिर वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, लास्ट इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस. हमें इन 8 में से कोई भी एक चूज करना होता है. नाउ हियर इज अ फी स्ट्रक्चर. फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, हर की अलग अलग फी होती है. फाउंडेशन में एडमिशन फी अलग होती है, ट्यूशन फी अलग होती है. टोटल मिला के फाउंडेशन प्रोग्राम की फी होती है ₹3,600. ऐसी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की टोटल मिला के फीस होती है ₹7,000. प्रोफेशनल प्रोग्राम की जो टोटल फीस होती है वो होती है ₹12,000. ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म फी अलग होती है. फाउंडेशन प्रोग्राम की होती है ₹875, एग्जीक्यूटिव की होती है ₹900 एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम की होती है ₹750. ओके, नेक्स्ट अप इज ड्यूरेशन एंड मार्क्स रिक्वायर्ड. जो मिनिमम CS प्रोग्राम होता है वो 2.5 ईयर्स का होता है फॉर ग्रेजुएट्स एंड 3.5 ईयर्स फॉर दोज हु हैव 10+2. ओके, और जो हर लेवल का एग्जाम होता है वो 4 घंटे का होता है, 1 घंटे का बीच में ब्रेक होता है. फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है वो 8 मंथ्स का होता है, एग्जीक्यूटिव 9 मंथ्स का होता है और प्रोफेशनल 10 मंथ्स का होता है. द कोर्स कंप्लीशन शुड बी पास विद इन द लिमिट ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ एडमिशन. ठीक है, वो कैंडिडेट जिसने फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लाया होता है वही कैंडिडेट पास डिक्लेयर होता है. ठीक है, एग्जाम डेट्स क्या क्या होती हैं? एडमिशंस टू ICSI कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, बाय एनुअली कंडक्ट होता है दिसंबर और जून के महीने में. ठीक है, कैंडिडेट्स अपने अकॉर्डिंग कोई से भी मंथ का चॉइस कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए. जो फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए अपियर करना चाहते हैं दिसंबर में, उनको अपना आपको एनरोल करना पड़ता है बाय मार्च 31st.
जो जून वाले एग्जाम के लिए एनरोल करना चाहते हैं द नेक्स्ट ईयर, उनको अपने आपको एनरोल करना पड़ता है September 30 तक। जो CS ज्वाइन करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लेवल पे, ओके, उनको अपने आपको एनरोल करना होता है 28 फॉर अपियरिंग इन बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर द सेम ईयर, और बाय August 31 फॉर अपियरिंग इन बोथ द मॉड्यूल्स इन जून द नेक्स्ट ईयर। अगर कोई सिंगल मॉड्यूल में अपियर करना चाहता है जून एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर, उसको अपने आपको एनरोल करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बाय November 30। ये ब्रीफ डिटेल थी ICSI के एग्जामिनेशन की, ओके। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जब आपको CS के लिए ICSI का एग्ज़ाम देना होता है तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, ड्यूरेशन, क्राइटेरिया सब पता चल गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।